गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग अब सियासी रंग रूप लेती जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ महीने बाद होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में गुर्जर समुदाय के वो लोग जो अभी तक आरक्षण आंदोलन में दिखाई पड़ते थे, वो इस बार चुनावी समर में प्रत्याशी बनकर उतर सकते हैं। इस वजह से गुर्जर आंदोलन में दो फाड़ दिखाई पड़ रहा है। आंदोलन का हिस्सा रहे दो साथी आज एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के ऊपर सियासी साया मंडरा रहा है। गुर्जर आरक्षण की आग राजस्थान की तपिश को हमेशा से बढ़ाती रही है, लेकिन आरक्षण को लेकर गुर्जर नेताओं के बीच अब मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। 12 साल से जिस गुर्जर आंदोलन को किरोड़ी सिंह बैसला और हिम्मत सिंह गुर्जर साथ लेकर चले, अब एक दूसरे पर हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। मतभेद अब मनभेद में बदल चुका है। एक दूसरे के खिलाफ दोनों गुर्जर नेताओं ने जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। आंदोलन में गुर्जरों की आवाज रहे हिम्मत सिंह ने किरोड़ी सिंह बैसला पर गंभीर आरोप लगाया। हिम्मत सिंह कहते हैं कि बैसला गुर्जर आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कि आज वार्ता का मुझे अधिकृत सरकार की तरफ से सूचना थी, इसलिए मैं वार्ता करने आया था। बैसला जी का नहीं आने का कारण उनका केवल सौदेबाजी का था। वो केवल अपने सौदेबाजी पे उतारू है, वो केवल फिक्स कर रहे हैं अपनी सौदेबाजी। आज यदि उनको वार्ता नहीं करनी थी तो कल अरुण चतुर्वेदी जी से खुद जाके मिले हैं, सोशल जस्टिस के डायरेक्टर से खुद ने जाके रिक्वेस्ट किया मुझे वार्ता करनी है। तो तब उनको बेरोजगार युवकों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? फिर बेरोजगार युवकों के जो नर्सिंग भर्ती और अकाउंटेंट भर्ती के 4 साल से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यदि उनको इतनी परवाह है बेरोजगारों के हकों की तो आज वार्ता करनी चाहिए थी। और केवल मेरा केवल इसलिए विरोध किया गया कि हिम्मत सिंह नहीं आएगा तो वार्ता नहीं करेंगे। क्यों भाई, हिम्मत सिंह ने 13 साल से आंदोलन में भाग नहीं लिया? क्या उन्होंने 13 साल से आंदोलन किया? क्या हिम्मत सिंह ने उनके साथ कंधे से कंधे मिला के हमेशा योगदान नहीं दिया आरक्षण के लिए? आरोप ये लगा कि किरोड़ी सिंह बैसला अपने बेटे विजय सिंह बैसला को बीजेपी से टिकट दिलाने की जुगत में हैं। अगर हिम्मत सिंह की बात को सच माना जाए तो क्या गुर्जर आंदोलन की आग को सियासी पानी ठंडा कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीतने की संभावना, पार्टी के प्रति निष्ठा और उस व्यक्ति की योग्यता, इन सब के प्रतिबद्धता को देख करके टिकटों का निर्धारण करती है। हम टिकट कार्यकर्ताओं में से देते हैं, उनकी जातियों को देखकर नहीं देते। हिम्मत सिंह ने तो आरोप ये भी लगा दिया कि किरोड़ी सिंह बैसला का आरक्षण आंदोलन महज दिखावा है। जो मैं युवाओं के हकों की बात करता हूँ, उनकी जो सेटिंग है, उनकी जो टिकट की जो फिक्स है, उनके बेटे के लिए जो टिकट मांग रहे हैं, वो मेरा विरोध सिर्फ इतने से है कि राजनीतिक एजेंडे को शामिल नहीं करें, केवल पहले बेरोजगार हकों की बात करें, उसके बाद जो अपने को आपको टिकट लेना है बैसला जी को, जिससे जहां से भी लेना है, 10 लेने 20 लेने 50 लेने, मेरी तरफ से खूब लें, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। केवल वो फिक्स करना चाहते हैं खुद के बेटे का टिकट करौली से। दूसरी तरफ बैसला गुट के लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं। किरोड़ी सिंह बैसला के नजदीकी शैलेंद्र सिंह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। शैलेंद्र जी, वो हिम्मत सिंह जी ने टिकट का आरोप लगाया कि टिकट के लिए सारा खेल किया जा रहा है। लेकिन जब यही सवाल किरोड़ी गुट के जगराम गुर्जर से पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि किरोड़ी अगर टिकट दिलवाएंगे तो वो भी ले लेंगे और जहर देंगे तो वो भी पी लेंगे। ऐसा है, बैसला जी टिकट दिलाएंगे तो उसको लेंगे, बैसला जी जहर खिलाएंगे तो उसको खाएंगे, लेकिन बैसला जी की बेइज्जती नहीं होने देंगे किसी लोकल आदमी से। टिकट को ही छोड़ो, अगर वो जहर भी देंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। हिम्मत सिंह जी ने कहा कि सारी राजनीति टिकट के लिए हो रही है। नहीं है, ये सब मनोनीत आदमी है, ये ऐसे ही बकवास करते, कुछ नहीं। भले ही कितने आरोप लग रहे हों, लेकिन किरोड़ी सिंह बैसला ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। ऐसे में क्या यही माना जाए कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन सियासी अखाड़े में बदल चुका है? वैसे बैसला 2009 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो इस बात की संभावना से पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बाकी गुर्जर आंदोलन की क्या दशा और दिशा होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। गुर्जर नेताओं के मतभेदों के बाद में अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है।
ऐसे में सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं कि क्या राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग सियासी रंग में बदल जाएगी। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।